गुड आफ्टरनून। इंग्लिश में निगेटिव स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे हैं। कोई सेंटेंस अगर है और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो फिर हमें उसका निगेटिव कैसे करना है, ये चीजें हम देख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने आई के साथ निगेटिव स्ट्रक्चर देखा है, बी के साथ देखा है, यू के साथ देखा है, दे के साथ देखा है और बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स जो है उनके साथ भी हमने ये निगेटिव स्ट्रक्चर देखा है जो कि डोंट के साथ आता है। ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखा है जैसे आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट, बॉयज डोंट, गर्ल्स डोंट, वुमेन डोंट वगैरह वगैरह, ये चीजें हमने यहाँ पे देखी है। तो डोंट का मतलब है, या फिर हम डोंट कब लेते हैं, जब हम लोग प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, मतलब उसका जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, वो एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब वी वन है, बेस फॉर्म में है। इसके स्ट्रक्चर हमने देख लिए। अब हम लोगों को जब ये वी वन नहीं होते हुए वी टू होगा, मतलब पास्ट फॉर्म में वो वर्ब होगा, तब हमको क्या करना है, उसमें से क्या बाहर निकालना है। पहले उसमें होता क्या है ये आज हम लोग देखेंगे। मान लीजिए हमने स्प्लिटिंग किया था, किसका स्प्लिटिंग किया था, वी वन का स्प्लिटिंग किया था। वी वन इज इक्वल टू डू प्लस वी वन। अगर कोई भी वी वन है जैसे क्लीन है तो उसके साथ डू और फिर से वी वन, मतलब ये डू उसमें छुपा हुआ होता है, ये हमने बता, ये हमने देखा था। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्लीन के बजाय क्लीन्ड है तो ऐसे है आई क्लीन, इसका निगेटिव करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, आई डोंट क्लीन। लेकिन मान लीजिए सेंटेंस ऐसा है आई क्लीन, ये जो ईडी है इसका बहुत ही साइलेंट प्रोनाउंसिएशन करना है हम लोगों को, आई क्लीन्ड ऐसे नहीं करना है, आई क्लीन। तो फिर ये आई क्लीन्ड अगर आया तो क्लीन्ड में तो मैंने नहीं बताया था कि डू छुपा हुआ है, डू तो वी वन में छुपा हुआ होता है, इसमें छुपा है, इसलिए हमने डू का डोंट किया और निगेटिव सेंटेंस बनाया। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है, सेंटेंस तो छोड़िए, ये वर्ब फॉर्म भी पास्ट में है, ये फॉर्म जो है ये वी टू है। जब कोई भी वर्ब फॉर्म वी टू होता है या फिर पास्ट में होता है तो फिर उसमें उसका भी स्ट्रक्चर है जैसे कोई भी वी टू है, तो वी टू के साथ में हमेशा वी वन उसके साथ डिड छुपा हुआ होता है, डिड और हमेशा वी वन अलग अलग निकालना होता है हम लोगों को। जैसे मैथमेटिक्स में हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा जैसे ऐसा है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, ऐसा अगर कोई इक्वेशन है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम नॉट मास्टर इन मैथ्स, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सेवन अगर ये है तो हमें इस एक्स को हमेशा अलग रखना होता है, एक्स एक्स के अगल का पूरा कचरा हमें निकालना है, एक्स या फिर यहाँ पे कोई भी वेरिएंट हो इसका हमें आजू बाजू से कचरा निकालना होता है। तो फिर हम कैसे करते हैं, एक्स प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू सेवन माइनस टू, टू टू गेट कैंसल, x is equal to, मतलब ये जो x है ये अकेला इधर रह गया, ये तो x है ऐसे भी अकेला है। अगर ऐसा है x by 2 plus 3 is equal to 9 ऐसा कुछ है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को इधर माइनस करते हैं, x का धीरे 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 कचरा हम निकालते हैं, x अलग करते हैं। वैसे भी हर बार जब कभी भी हम लोगों को कोई निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस बनाते से हमको सबसे पहले उसमें वर्ब कौन सा है देखना है। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो की बातें हैं सब, तो उसमें हम लोगों को पहले वर्ब कौन सा देखना है। अगर वो वी टू है तो फिर से हमें उसमें से वी वन साइड में निकालना है और इसके साथ डिड होता है, हमेशा वी वन और डिड छुपा होता है। तो क्लीन्ड का क्या आएगा, वी वन है क्लीन प्लस डिड। वैसे ही अगर कॉल्ड है तो कॉल प्लस डिड, अगर स्टॉप है तो स्टॉप प्लस डिड, अगर क्लियर है तो क्लियर प्लस
अगर रन है तो रन प्लस डिड, अगर गेम है तो कम प्लस डिड, अगर सैंग है तो सिंग प्लस डिड, अगर गेव है तो गिव प्लस डिड, अगर टुक है तो टेक प्लस डिड, अगर मेड है तो मेक प्लस डिड। तो ये सभी इस कॉलम में जैसे टू डू के फॉर्म्स कौन से हैं, टू डूज हेल्पिंग वर्ब्स, विजुअलाइज हो रहा है सबको,
जो है ये V1 फॉर्म है, ये जो है ये V2 फॉर्म है, और ये जो है ये S फॉर्म है, मतलब ये VS है। तो हम लोगों को देखना है कंपैरिजन करके कि इधर क्या है V1 है तो हाँ ठीक है हमें इधर भी टू टू का V1 ही लेना है, इधर क्या है V2 है तो हमें इधर भी V2 ही लेना है टू टू का।